एविडेंस की अगर बात करें तो आपके पास एविडेंस भी होंगे क्योंकि आप बेहद नज़दीक थी, जो अंतिम कार्य हुआ उसमें आप बहुत नज़दीक से जुड़ी थी, सब कार्य आपने किया था, उस समय आपने कुछ नोटिस किया, कुछ देखा? मैंने नोटिस किया कि उसके चेहरे पर मार के निशान थे। जब एक औरत पर एक मर्द हाथ उठाता है या एक औरत पर जब हाथ उठाया जाता है तो उसके चेहरे पर कैसे मार्क होते हैं ये मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। वो ऐसे कोई मार्क नहीं थे जो गिरने से चोट आ गई हो, ये वो ऐसे कोई मार्क नहीं थे। उसकी नाक पर निशान है, उसके गाल पर निशान है, ज़रूरत पड़ी तो वो मैं डेफिनेटली सामने लेकर आऊँगी। और दूसरी चीज़ें एक्स गर्लफ्रेंड का, जो पता नहीं वो एक्स हैं कि प्रेजेंट हैं वो मुझे नहीं पता, ये इस बारे में मैं जानती हूँ कि सलोनी जो है वो बहुत प्रतीक्षा को परेशान करती थी, आधी आधी रात को दरवाज़ा बैंग करती थी और एक दो बार सलोनी ने प्रतीक्षा पर हाथ भी उठाया है और उस वक्त राहुल मौजूद भी थे एक वक्त पे जब वो हाथ उठा रही थी, शायद बालकनी में वो प्रतीक्षा पर हाथ उठा रही थी और राहुल भी वहाँ पे खड़ा था और उसने प्रतीक्षा की मदद नहीं की थी, ये मैंने सुना है जो मुझे प्रतीक्षा ने बताया है। और काफ़ी सारी सीसीटीवी फुटेज भी है जो पुलिस के पास है कि सलोनी टच में थी और सलोनी का आना जाना था वहाँ पर। और कई बार प्रतीक्षा ने राहुल से ये कहा था कि इस मैटर को सॉर्ट आउट करो और गेट सलोनी आउट ऑफ आर लाइफ, लेकिन राहुल ने इस बारे में कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी कहूँगी कि जब प्रतीक्षा की डेड बॉडी को जब हॉस्पिटल में ले जाया गया तब राहुल के साथ सलोनी थी, तो अगर सलोनी का कोई कांटेक्ट नहीं है जैसा कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है, जो उन्होंने मीडिया को बताया कि मेरा कोई लेना देना नहीं और मेरा कोई टच में नहीं है मैं इन लोगों के, तो अगर आपका कोई लेना देना नहीं है तो प्रतीक्षा की डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए आप राहुल के साथ कैसे थी? और इतने सीसीटीवी फुटेज में आप नहीं हैं तो कौन? आपका भूत है या आपका क्लोन है? कौन है जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है, जो इतने लोगों ने कहा है, जैसे कि वॉचमैन है और बाकी सारे लोग हैं, मैनेजर है, जो पड़ोसी हैं, जिन लोगों ने कहा है कि सलोनी आया जाया करती थी, तो वो लोग क्या कह रहे हैं? और मैं तो चाहूँगी कि कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किया जाए राहुल का, तो कॉल रिकॉर्ड्स पे भी पता चलेगा कि सलोनी डेफिनेटली टच में थी और सलोनी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं दोबारा कहती हूँ, सलोनी एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रतीक्षा बनर्जी आज इस दुनिया में नहीं है।